हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप मुझे यहाँ पर देखकर समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर जो हनुमानगढ़ का फेमस जो नया मंदिर बना है वहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही घूमने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है यहाँ पर। आज आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे पता है, बट मेरा व्रत है। तो मैं व्रत खोलने आया हूँ, तो मेरे साथ दो दो काम हो जाएंगे, आपके लिए ब्लॉग भी बन जाएगा और अपना ये भी हो जाएगा। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अपने को परमिशन वगैरह है वीडियो बनाने की या नहीं है। अगर वीडियो की परमिशन नहीं है तो मैं आपको अराउंड दिखा दूंगा, अगर वीडियो की परमिशन है तो अपने अंदर भी चलेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर और दर्शन करते हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कैसा माहौल है अंदर का। और अंदर काफ़ी सारी मतलब मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो वैसे माइक के अंदर भी काफ़ी सारा शोर आ गया था, तो मैं और आगे से इसका वो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो जैसे एक क्यूट से बच्चे यहाँ पर बैठ रहे थे, जैसे ये जो फूल होते हैं जो शिव जी को चढ़ाते हैं वो लगाता है छोटा सा बच्चा। और ये रामायण के अंदर जो अपने बेर वाला जो सीन होता है वो दर्शाए हुए हैं, और जो महाभारत के अंदर हैं काफ़ी सारे सीन हैं, मतलब जो प्रसिद्ध हैं और जो अपने भगवान हैं उनके, तो सबके मतलब सीनरी जैसी बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छे अच्छे लगते हैं ये। जैसे अगर आप जाओगे तो पूरा घूमना इसको, जैसे जैसे घूमोगे तो ये और अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे पूरा गार्डन सा एरिया है, बहुत बढ़िया लगता है वहाँ पर घूमते हुए। और अंदर पहले अपने को पता नहीं था कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट बाद में जो पंडित जी हैं वहाँ पे उनका बिहेव काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया कि आप यहाँ पर वीडियो वगैरह मत बनाओ। उन्होंने कह दिया कि हाँ बना लीजिए, तो हमने अंदर का भी बनाया, तो देखते रहिए वीडियो के अंदर। और बाकी अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ तो यहाँ पर पार्क भी है, काफ़ी बड़ा पार्क है। अगर आपको जैसे रेस्ट करना हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो काफ़ी बड़ा पार्क है यहाँ पर और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मंदिर के अंदर देखते हैं अपने को क्या परमिशन है या नहीं है, तो सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, चलते हैं ऊपर। वैसे मेरे को लग रहा है वीडियो बनाना मना है, तो अराउंड दिखा दूंगा आपको। तो परमिशन जो है वो मिल गई है, तो चलो अब जल्दी से अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या है। वैसे यहाँ पर शुरू में जो है एक नंदी जी की जो मूर्ति रखी हुई है काफी सुंदर है, जो दिखने में, एक बार देख लो इसको ध्यान से। तो चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। तो जैसे मैंने जो इनके मेन पुजारी जी हैं उनसे मैंने परमिशन ले ली थी वीडियो बनाने की, बट बाकी जो इनके एम्प्लॉय वगैरह जो है उनको पता नहीं था कि मैंने परमिशन ली है। तो ये बार बार बीच में कोई ना कोई मतलब जो बाहर था वो अंदर आ रहा था तो मना कर दे रहा था, तो वीडियो खराब कर दे रहे थे, बट कोई बात नहीं, बाकी सब लोगों ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया था साथ में। तो वैसे देख लो ये मेन मूर्ति है, दानपत्र है। मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया था और पूजा वूजा भी कर ली थी मैंने, फिर बाद में इनसे परमिशन लिया मैंने पंडित जी से। तो आप भी देख लो, तो अगर आप अगर जैसे अगरबत्ती वगैरह लेकर आते हो तो अंदर रखने की अंदर मतलब लगाने के लिए जगह नहीं है, तो बाहर आप ये जो गमले लगे हुए हैं उनके अंदर ध्यान से लगा दीजिए, और इसका ध्यान रखना कि ये ख़राब ना हो अपने पौधे वगैरह। प्रसाद वगैरह मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। इधर दिखा दे, तो ये छोटू यहाँ पे तिलक लगाता है, हाई कर दे, इसके भी लगा दो कैमरे वाले भैया के। भी खा दें, ये भी अपने प्रसाद देते हैं। और बाकी यहाँ पर ये रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और शिवलिंग वहाँ पर है। तो जैसे मेन पंडित जी अपने यहाँ पर हैं, तो मेन पंडित जी जैसे वो हैं अपने, अभी पूजा चल रही है तो अपनी इतना तेज नहीं बोल सकते हैं। ऊपर दिखा दियो झूमर। ये अपना अंदर का पूरा लुक, वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी शांत माहौल है अंदर, पूरा ठंडा ठंडा माहौल है, इसी वाली फील एकदम। और मंदिर में आप आते हो तो साइड में काफ़ी फ़ोटो खिंचाने के लिए जगह दी हुई है,
काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पर, तो अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। शाम के टाइम आना क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग भी होती है। अगर हुआ तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर लाइटिंग जलती है तो मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ, तो आपको दिखा दूंगा सिनेमेटिक्स वगैरह में थोड़ा मोटा, अगर बोल बाल चीज़ दिखा दूंगा अगर वीडियो क्वालिटी सही आई तो। पीछे रहा मंदिर, देख सकते हो, और हम वेट कर रहे हैं लाइटिंग जलने का। लाइटिंग का टाइम पता नहीं है, जैसे 7:30 बजे या 8 बजे है, फिलहाल 7:30 बज रहे हैं। मुझे आधा एक घंटा हो गया है वेट करते हुए लाइटिंग जलने का। तो इसका यहाँ पे लाइटिंग जब जलती है तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है, बहुत शानदार लगता है। तो उसका मैं सिनेमेटिक्स व्यू दिखा दूंगा क्योंकि व्लॉग भी लंबा होगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। चलो वेटिंग जारी रखते हैं, और आपके लिए इतना वेट तो बनता है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि रात के अंदर यहाँ का माहौल कुछ और ही होता है, तो एक बार आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा और मैं सिनेमेटिक्स भी डाल दूंगा, तो एक बार लुक देखो, काफ़ी मस्त लुक है। पहले जब अपने लुक देखा था और अब जो लुक है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है वैसे देखा जाए तो, और काफ़ी बैठने में भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर।